तो फ्रेंड्स ये आ गए हैं गर्मा गर्म पराठे साग वाले। ये देखें क्रिस्पी क्रिस्पी ताजा ताजा बहुत ही जबरदस्त ब्राउन रेड ब्राउन। अभी हम इनको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज जैसा कि आपको पता है कि सर्दी का सीजन चल रहा है, आजकल बहुत ज्यादा ठंड होती है। आज शुक्र है धूप निकली है। फ्रेंड्स सर्दी हो और सुबह पंजाब हो, हम पंजाबी हों और सर्दी के मौसम में सरसों का साग ना हो, ये कैसे मुमकिन है? तो आज की वीडियो इसी बारे में है। अब तो हम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, शुक्रिया। तो फ्रेंड हम पहुँच गए हैं सरसों के खेत में और मेरे साथ है हमारी प्यारी सी गुड़िया वासिया सैर। सलाम करो मिट्टू। अस्सलाम वालेकुम। और साग तोड़ना मेरी हेल्प कराएगी साग तोड़ने में वासिया सैर और मैं खुद भी तोड़ूंगा और फिर उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो आपको साथ साथ दिखाएंगे उसकी कटाई से लेके एंड तक। रहिए हमारे साथ, अभी हम पहुंच चुके हैं खेत में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें सूरज की किरणें ऊपर पड़ रही हैं और येलो इसके फूल बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा पेश कर रहे हैं। और अभी हम साग तोड़ते हैं। वासिया सैर तोड़ना आता है? कैसे तोड़ते हैं, हैं? फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम गंदम के खेत में, यहाँ पे सरसों और गंदम मिक्स करके उगाई गई है और जो बड़ी हो गई है उसने उसके फूल निकल आए हैं, उससे साग नहीं बनता। बल्कि अभी तक जो छोटे हैं बगैर फूलों वाला जो इसका पौधे हैं उससे वो उतार के हम उससे साग बनाएंगे। जैसा कि ये देखें ये एक इस फूलों के बगैर है तो हम इसको यहाँ से ऐसे करके तोड़ लेंगे। इसको हम कहते हैं पंजाबी में गंदल, सरसों की गंदल। और ऐसी बहुत सारी तोड़ के फिर काफ़ी सारा, क्योंकि जब ये बॉयल करते हैं काट के तो थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है, इसलिए हमारी ट्राई होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें ताकि सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा पराठे इन्जॉय कर सकें। तो और भी तोड़ते हैं हम। तो फ्रेंड्स हमने जो सरसों का साग है वो हासिल करना शुरू कर दिया है और मेरा साथ दे रही है वासिया सैर, मेरे साथ आई हुई है और देखते हैं कि वो उसको कितना हासिल हो गया, कितनी इसकी जो गंदले हैं टहनियाँ हैं वो तोड़ चुकी है। तो ये देखें वासिया सैर, शाबाश, बगैर फूलों वाला जो है ना वो तोड़ना है, ठीक है। पराठे अच्छे लगते हैं, खाते हो? ये मकई की रोटी के साथ भी खाते हैं, वो भी कभी खाई है? और सफियुल्ला को भी पसंद है? शाबाश, जल्दी जल्दी तोड़ो ताकि हम थैले भर के ले जाएं और काफ़ी सारे दिन हमारे गुजर जाएं। क्योंकि अभी आस्ता आस्ता सीज़न आगे जाएगा, सरसों पक के तैयार हो जाएगी और हफ्ते दो हफ्ते तक जो है फिर ये फूलों के बगैर वाली जो शाखें हैं ये नहीं रहेंगी, इसलिए हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें और बॉयल कर लें। बॉयल करके बंदा स्टोर भी कर सकता है और जब दिल हो बंदा थोड़ा सा उसको पका ले और पराठे बना ले, सरसों की सरसों का जो साग है मकई की रोटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं लंच में और ब्रेकफास्ट में, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इंशाल्लाह आपको, आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तैयार होते हुए और एंड तक जब पराठे बनेंगे सब आपको दिखाएंगे, आपको एक अच्छी रेसिपी मिल जाएगी और यहाँ आप गाँव का माहौल भी आप इंजॉय करेंगे। दिखाओ, एक भी फूल वाले नहीं है, शाबाश। वैसे सैर नहीं, अच्छी टहनियाँ तोड़ी हैं। अभी देखते हैं कि टोटल कितना हो चुका है हमारे पास। चलो आओ वैसे सैर। देखा भर लिया है हमने। ये देखें वासिया सैर भी ले आई है काफ़ी सारा और इसने अपना शापर भरा है और मैंने अपना भरा है, माशाल्लाह। ये देखें हो गया वासिया सैर, बहुत है या और तोड़ें? बहुत है। और तो थैला ही नहीं हमारे पास, ये कितने दिन चल जाएगा? ये तो काफ़ी दिन चल जाएगा, है ना? दो हफ्ते। दो हफ्ते? अगर दो दो पराठे खाए तो फिर एक हफ्ता। तो जनाब ये देखें हमने दो शापर लाए थे वो भर लिए हैं, अभी मैक्सिमम जो है उसके फूल निकले हैं, लेकिन अभी भी कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो लेट काश्त की गई हैं वहाँ पे अभी भी साग मिल सकता है हमें।
तो फिलहाल ये एंजॉय करेंगे, उसके बाद जो है देखो। फ्रेंड्स आग आ गए, अभी हम इसको इधर फैलाएंगे। आ जाओ वाकई सर, इधर ले आओ खाना खाना। वाकई को भूख लग गई है, काफी तरह साग तोड़ के लाइए। तो अभी हम इसकी कटाई करेंगे। बॉयल करने के लिए कटाई जो है वो बहुत जरूरी है। बराबर करके यहाँ की छुरी काफी सारी कटिंग कर ली है, बाकी की कटिंग घर वाले कर लेंगे। उसके बाद हमें शुरू होगा बॉयल करने का। बड़े से पतीले में डाल के बॉयल कर लेंगे और उसके बाद इसकी पकाई होगी, वो भी आपको दिखाऊंगा। और जब तो पराठे बनेंगे वो भी आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स ये चेक करें, साग जो है वो बॉयल हो रहा है। फ्रेंड्स रात को हमने साग बॉयल कर लिया था, ये देखें अभी ये बिल्कुल बॉयल हालत में है। और अभी हम इसको पकाने लगे हैं। इसके लिए जो मसाले वगैरह चाहिए जो नॉर्मल हांडी में इस्तेमाल होते हैं वही हैं। तो फ्रेंड्स हम साग तैयार होने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही साग तैयार होगा, साथ मकई की रोटी, बाजरे की रोटी और साथ होंगे साग वाले पराठे। बच्चे भी वेट कर रहे हैं। फ्रेंड चेक करें, साग हमारा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स फाइनली रोटी तैयार हो गया चुकी है, साग भी आ चुका है, देसी घी से चुपड़ी हुई रोटियां, वे साथ है वास्या, अलमीर। आपको कौन सी पसंद है? ये वाली मकई की। ये वाली कौन सी है वास्या से? बाजरे की। और ये वाला हो गया सरसों का साग। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर रखते हैं साग जितना हमें जरूरत है। ये साग इसी कलर का है ना? इस कलर में भी रखते हैं। ये आ गई मकई की रोटी। रोटी खाना आपको कौन सी पसंद है? मकई वाली। आपको कौन सी पसंद है? बाजरे वाली। और मुझे साग भी पसंद है और ये दोनों पसंद है। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मकई की रोटी। मकई की रोटी टेस्टी है। मैं खा लूंगा। तो फ्रेंड्स अभी हम मकई की रोटी टेस्ट करते हैं। बच्चों ने खा लिया है, बड़े खुश हैं। मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ साथ में। आ गए बहुत ही जबरदस्त बनी है, साग भी बहुत जबरदस्त है। आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा। अगर अभी तक आपने साग और मकई की रोटी ट्राई नहीं की तो लाजमी ट्राई करें, यकीनन आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। आप भी आओ इधर। तो फ्रेंड्स मेरा छोटा गुड्डू भी आ गया है। आपको कौन सी पसंद है बच्चू? आपने ये खानी है कि ये खानी है? ये ओके, यही खिलाता हूँ मैं आपको। वो ये लें, ये मैं बलून बाद में कर दूंगा। अच्छा ये लें, आप ये लें, ये लें, आप भी, आपने भी लेना है। और देखो भाई ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे, आप भी ले रहे। ये लें ये वाली भी दूं साग के साथ लगा के। ये लें, टेस्टी है। वाओ सुपर, वाओ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक और शेयर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह के देसी खाने और मजीद देसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।